हेलो दोस्तों, जियोग्राफी क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं रोहित शर्मा, सब्जेक्ट अपना ज्योग्राफी। देखिए, लेसन नंबर 2 हमारा चल रहा है मानव बस्ती। आज हम पढ़ेंगे मानव बस्ती के प्रकारों के बारे में। देखिए, मानव बस्ती के प्रकारों को मैंने बताया था पिछले वीडियो में, दो भागों में इसको बांटा गया है, एक ग्रामीण बस्ती और दूसरा है नगरीय बस्ती। आज हम बात करते हैं ग्रामीण बस्ती की, ठीक है, जो हमारा टॉपिक होगा आज का, ग्रामीण बस्ती। ग्रामीण बस्ती किसे कहते हैं? आपको मैंने पहले भी परिभाषा में इसको बताया है कि ग्रामीण बस्ती गांव में जो बसी हुई बस्तियां होती है, जहां पर लोगों का समूह होता है, और एक ऐसी बस्ती जो प्राथमिक क्रिया पर आधारित होती है, ग्रामीण बस्ती कहलाती है। आज का जो टॉपिक है वो है ग्रामीण बस्ती, और ग्रामीण बस्ती के प्रकारों की बात करेंगे। ठीक है, लिख देंगे इसके अंदर ग्रामीण बस्तियों के प्रकार। देखिए, ग्रामीण बस्ती के प्रकारों की अगर हम बात करें तो ग्रामीण बस्ती के प्रकारों को 4 भागों में बांटा गया है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो ग्रामीण बस्तियां हैं, इन बस्तियों के जो विभिन्न प्रकार है, जैसे मैंने बताया आपको 4 प्रकार की ग्रामीण बस्ती होती है, ये 4 प्रकार की जो विभिन्न प्रकार की बस्ती है उसके बसने के क्या महत्वपूर्ण कारक है, ठीक है, उसकी भी बात करेंगे, महत्वपूर्ण कारण बताएंगे, और चारों बस्तियों का वर्णन बताएंगे कि चारों बस्तियां कौन कौन सी होती हैं, उनकी परिभाषा बताएंगे, और वो किन क्षेत्रों में उपलब्ध है, किन क्षेत्रों में उपस्थित है, उनकी भी हम बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं 4 बस्तियों के प्रकार कौन कौन से हैं। सबसे पहले है गुच्छित बस्तियां, ठीक है, दूसरा है अर्ध गुच्छित बस्तियां, ठीक है, तीसरे नंबर पे आती है पल्ली बस्तियां, और चौथे नंबर की जो बस्ती है वो है परिक्षिप्त बस्तियां। कुल मिला के आपकी जो ये बस्तियां हैं, 4 प्रकार की बस्ती होती है। अब देखिए, ये विभिन्न प्रकार की बस्तियां हैं, ठीक है, ग्रामीण बस्तियों के विभिन्न प्रकारों के बसने के उत्तरदायी कारक। अब देखिए, आपके जो ग्रामीण बस्तियां हैं, जो मैंने बताई 4 प्रकार की है ग्रामीण बस्तियां, गुच्छित बस्ती, अर्धगुच्छित बस्ती, पल्ली बस्तियां और परिक्षिप्त बस्तियां, तो ये ग्रामीण बस्ती के विभिन्न प्रकार हो गए। अब इन ग्रामीण बस्ती के विभिन्न प्रकारों के बसने के क्या कारण है कि ये 4 तरह की बस्तियां क्यों बसी, उसका महत्वपूर्ण कारक है, जैसे कि भौतिक कारक। अब भौतिक कारक के अंतर्गत हम बात करें तो भौतिक कारक में क्या क्या चीजें आती है इन बस्तियों को बसने के अंदर, जैसे कि आपका भूभाग, ठीक है, आपका जल है, ठीक है, जल उपलब्ध है कि नहीं है, जलवायु भी इनको पैदा करती है, प्रकृति कैसी है उस पर डिपेंड करता है कि कैसी प्रकार की बस्ती बसनी चाहिए, इसके अलावा ऊंचाई, ये डिपेंड करती है इन चारों में से कौन सी बस्ती उन क्षेत्रों में बसने वाली है, मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। दूसरे नंबर पे आता है सांस्कृतिक व सामाजिक कारक, ठीक है, सांस्कृतिक सामाजिक कारक का तात्पर्य समाज की स्थिति कैसी है, समाज की स्थिति, आगे बात समझ में, वो कैसी है, उस अकॉर्डिंग आपके इन चारों में से वो बस्तियां बसती है, ठीक है। संरचना, जाति, ठीक है, इसके अलावा धर्म भी कह सकते हैं, संस्कृति भी कह सकते हैं, तो विभिन्न प्रकार के ये कारक जो होते हैं वो इन बस्तियों को बसाने में सहायक होते हैं, ठीक है। इसके अलावा तीसरा बिंदु आता है सुरक्षा। सुरक्षा का तात्पर्य ये है कि ये जो बस्तियां बसती है उसमें सुरक्षा अहम होती है, जैसे कि चोरी डकैती, ठीक है, चोरी डकैती, अगर मान लीजिए किसी क्षेत्र के अंदर चोरी डकैती से सुरक्षा अगर है तो ये बस्तियां बसती है, ठीक है। तो कुल मिला के ये चारों बस्तियों के विभिन्न जो प्रकार है, इन प्रकारों को बसने में, इन चारों प्रकार की बस्तियों को बसने में ये आपके उत्तरदायी कारक है, भौतिक कारक,
सामाजिक सांस्कृतिक कारक और सुरक्षा, ये तीनों बिंदु जो है वो इन चारों बस्तियों को बसाने में एक अहम भूमिका निभाते हैं। ठीक है, यहां तक आपके समझ में आ गया होगा। अब आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि ग्रामीण बस्तियों के विभिन्न प्रकारों को बसने में कौन कौन से उत्तरदायी कारक है, तो आप ये तीनों बिंदु आप डाल सकते हैं। अब हम बात करते हैं ग्रामीण बस्तियों के प्रकारों की, एक एक बिंदु उठाएंगे, गुच्छित बस्ती का वर्णन करेंगे, फिर अर्धगुच्छित, फिर पल्लीकृत और फिर परिक्षिप्त बस्तियों का एक एक करके वर्णन करेंगे। यहां तक आपके समझ में आ गया होगा, यहां तक आप उतार लीजिए। देखिए बात करते हैं सबसे पहले बिंदु की, गुच्छित बस्तियां कौन सी होती है। आपको मैं बता दूं, नाम से पता चल रहा है, नाम से पता चल रहा है गुच्छित मतलब गुच्छे के रूप में, मतलब सारे मकान जो है वो आसपास है। ठीक है, तो गुच्छे के रूप में जो मकान होते हैं, बस्तियां होती हैं, उनको गुच्छित बस्ती कहते हैं। इस प्रकार के गांव में रहन सहन जो होता है वो खेत खलियान या फिर हम कहें चरागाह क्षेत्र या फिर हम कहें कि उनके पशुओं को रखने वाले जो बाड़े होते हैं, इन सब से पृथक होते हैं। मतलब मकान एक साइड होते हैं और खेत खलियान चरागाह और बाड़े जो होते हैं पशुओं को रखने के लिए, वो उन मकानों से क्या होते हैं, अलग होते हैं। ठीक है, अब इससे होगा क्या कि सारे मकान एक जगह होंगे और एक गुच्छे के रूप में उन मकानों का, उन बस्तियों का निर्माण हो जाता है। उदाहरण के तौर पर कैसे, जैसे कि मान लीजिए ये आपके सारे के सारे घर हैं। ठीक है, ये घर है आपकी बस्तियों के, इसमें केवल रहने वाले व्यक्ति मतलब यहां पे निवास करते हैं, और जितने भी खेत है, ठीक है, जितने भी चरागाह क्षेत्र है या पशुओं को रखने वाले बाड़े हैं, तो ये सब एक साइड है। ठीक है, तो अब ये सब गुच्छे के रूप में हो गए, तो गुच्छे के रूप में अगर कोई बस्तियां बस रही है तो गुच्छित बस्ती हो गई। लेकिन अगर सोचिए, अगर यही चीज अगर इनके बीच में होती, जैसे कि ये तो हो गई क्या गुच्छित बस्ती हो गई, एक समान एक जगह। अब मान लीजिए ये आपका घर है, यहां पे इस मकान का बाड़ा है, ठीक है, फिर एक घर यहां पर है, फिर यहां पे उसका मान लीजिए खेत है, ठीक है, फिर यहां पर कोई बाड़ा है, फिर यहां पे एक मकान है। ठीक है, अब क्या होगा, एक मकान यहां पर, एक मकान यहां पर, एक मकान यहां पर, तो दूर दूर हो गए, तो ऐसी बस्तियां कहलाती है अर्ध गुच्छित बस्तियां कहलाती है। ठीक है, तो अभी तो हम बात कर रहे हैं गुच्छित बस्ती की। ठीक है, इसकी परिभाषा क्या होगी देखते हैं। देखिए इसकी परिभाषा आपको लिखनी है क्या, पहले तो मैं आपको बता दूं कई बार गुच्छित बस्ती को और भी कई नामों से जाना जाता है, जैसे कि एग्जाम में पूछ लिया जाए संकुलित के नाम से इसको जानते हैं, इसको एक नाम से और जानते हैं आकेंद्रित बस्ती के नाम से भी जानते हैं, इसको सहत बस्ती के नाम से भी जानते हैं, इन नामों से भी इसको पुकारा जाता है। एग्जाम में अगर आपसे पूछ लिया जाए तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, गुच्छित बस्ती की जगह डाल दे संकुलित बस्तियां किसे कहते हैं, आकेंद्रित बस्तियां, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये सारे के सारे मीन्स के नाम है। ठीक है, अब आपको लिखना क्या है, इस प्रकार के लिखेंगे इस परिभाषा को, इस प्रकार की बस्तियां खेत खलियान चरागाह है पशु के बाड़े, ठीक है, इन सभी से क्या होते हैं, पृथक होते हैं। इस प्रकार की बस्तियां खेत खलियान चरागाह पशु के बाड़े, इन सभी से क्या होते हैं, ये पृथक होते हैं। अब जब सब अलग हो गए और बस्तियां एक जगह हो गई, तो अपने आप गुच्छे के रूप में वो सारी बस्तियां बन जाती है। अब बात करते हैं इनके आकार की, इन बस्तियों के आकार कैसे होते हैं, तो आपको बता दो कि इन बस्तियों की आकृतियां होती है आयताकार, अर्याकार और रेखाकार, तीन तरह की आकृतियां ये होती है। लिख देंगे, इन बस्तियों के आकार, ठीक है, आकार की बात करें तो आकार में जैसे कि इनकी आकृतियां होती है आयताकार, ठीक है, अर्याकार और रेखाकार की आकृति हो सकती है। ठीक है, आयताकार जानते हो, अर्याकार जानते हो, रेखी एक रेखा के रूप में इनकी आकृतियां हो सकती है। ठीक है, तो ये तो इनकी बात हुई आकार की। अब बात करते हैं प्रमुख क्षेत्रों की, तो मैं बता दूं इन बस्तियों के जो प्रमुख क्षेत्र है वो कहां कहां पर आपको ये बस्तियां मिल जाएगी, जैसे कि उपजाऊ जलोढ़ मैदानी क्षेत्रों में, जहां पर नदियों के पानी से एक अच्छी जमीन का निर्माण हो गया, मैदान का निर्माण हो गया, वहां पर आपको ये मिलेंगे।
इसके अलावा उत्तरी पूर्वी राज्यों के मैदानी क्षेत्रों के अंदर या उत्तरी पूर्वी राज्यों के अंदर आपको ये मिल जाएंगे। इसके अलावा आपके मध्य भारत के बुंदेलखंड में आपको ये जरूर देखने को मिलेंगे, मध्य भारत के बुंदेलखंड, बुंदेलखंड ठीक है, यहां पर आपको ये बस्तियां देखने को मिलती है। इसके अलावा नागालैंड ठीक है, और आपका राजस्थान भी ठीक है, यहां पर भी आपको ये बस्तियां देखने को मिल जाएगी ठीक है। नागालैंड और राजस्थान के अंदर ये बस्तियां आपको देखने को मिल जाएगी। तो ये बात हुई किसकी, गुच्छित बस्ती की। सिंपल सी परिभाषा मैंने आपको बता दी है, सारे मकान एक जगह और खेत खलियान और आपके चरागाह उन मकानों से अलग होंगे, तो वो आपके गुच्छे के रूप में बस्तियां बन जाएगी ठीक है। चलिए बात हो गई गुच्छित बस्ती की। अब अर्धगुच्छित की बस्तियां क्या होती है, अर्धगुच्छित में ये सारे खेत खलियान इनके बीच होते हैं, और भी कई कारण है अर्धगुच्छित बस्तियों के, वो मैं आपको बताऊंगा। यहां तक आपके समझ में आ गया होगा, यहां तक आप उतार लीजिए। देखिए दूसरा पॉइंट मैंने डाल लिया है अर्धगुच्छित बस्ती, जैसे कि मैंने आपको गुच्छित बस्ती के बारे में बताया, अब इसका ठीक उल्टा, मतलब इसमें जो बस्ती होती है वो टुकड़ों में होती है, दूर दूर होती है, इसका दूसरा नाम है विखंडित बस्ती। जैसे आपने गुच्छित बस्ती के बारे में पढ़ा, संकुलित आकेंद्रित सहत बस्ती, वैसे इसका नाम पड़ता है विखंडित। विखंडित का मतलब होता है दूर दूर। आपकी किताब में एक लाइन दी हुई है कि अर्धगुच्छित या विखंडित बस्तियां वो बस्तियां होती है जो परिक्षिप्त बस्तियों के किसी सीमित क्षेत्र में गुच्छित होने की प्रवृत्ति का परिणाम है। इसका मतलब समझिए, देखिए यहां पर परिक्षिप्त बस्ती अपना चौथा प्रकार है ठीक है, ग्रामीण बस्ती का चौथा प्रकार है परिक्षिप्त बस्ती। अब यहां पे परिक्षिप्त बस्तियों के किसी सीमित क्षेत्र में गुच्छित होने की प्रवृत्ति का परिणाम क्या कहलाता है, अर्धगुच्छित। अब इसका मतलब समझिए क्या होता है, जो परिक्षिप्त बस्ती होती है वो कहां पर होता है, वो होती है पहाड़ी क्षेत्रों के अंदर। अब पहाड़ी क्षेत्रों में कैसे, पहाड़ी क्षेत्रों के अंदर आपने देखे होंगे मकान होते हैं वो यहां पर बने होते हैं, कुछ मकान यहां होते हैं, फिर कुछ मकान यहां बने होते हैं, कुछ मकान यहां पर बने होते हैं ठीक है। तो पहाड़ी क्षेत्रों के अंदर मकान दूर दूर बने होते हैं ठीक है। अब ये क्या कह रहा है, परिक्षिप्त बस्तियां, अब ये परिक्षिप्त बस्तियां हैं ये ठीक है, किसी सीमित क्षेत्र में। अब परिक्षिप्त बस्तियां, अब देखो यहां पे मकान बन गए, फिर यहां पे मकान बन गए, फिर यहां पे मकान बन गए, तो गुच्छित होने का, गुच्छे में है तीन चार पांच मकान यहां पर है, तीन चार पांच मकान यहां पर है, तीन चार पांच मकान, लेकिन लेकिन ये तीनों क्षेत्र अलग अलग है, मतलब दूर दूर है, विखंडित रूप में है। अगली बात समझ में, तो परिक्षिप्त बस्तियों के उदाहरण दे रहा है ये कि परिक्षिप्त बस्तियों के किसी सीमित क्षेत्र में गुच्छित होने की प्रवृत्ति का परिणाम ही अर्धगुच्छित बस्तियां कहलाती है ठीक है। अब आपको लिखना क्या है इसमें सुनिए, देखिए किसी बड़े शहर गांव के पृथक्करण, सह पृथक्करण अथवा विखंडन के परिणाम स्वरूप से ही ये बस्तियां उत्पन्न होती है, इसको मेंशन कर सकते हो। कैसे लिखेंगे देखिए, विखंडित, शॉर्ट लैंग्वेज में बोल रहा हूं मैं, विखंडित या हम कहेंगे कि एक तरीके से अर्धगुच्छित, या तो कह दीजिए विखंडन, या विखंडन के परिणाम से उत्पन्न होने वाली बस्ती ठीक है, विखंडन के परिणाम से उत्पन्न होने वाली बस्तियां अर्ध गुच्छित बस्ती कहलाती है। समझ में आ गया होगा, मतलब यह कि विखंडन के परिणाम से उत्पन्न होने वाली बस्तियां ही अर्धगुच्छित बस्ती कहलाती है। विखंडन का मतलब होता है दूर दूर, समझ में आ गई बात, जब आपकी बस्तियां दूर दूर, पांच सात मकान यहां पर, दस पंद्रह मकान यहां पर, पच्चीस तीस मकान यहां पर, तो ऐसे दूर दूर हो गया, विखंडन हो गया, ऐसी बस्तियां ही क्या कहलाती है, अर्धगुच्छित बस्ती कहलाती है ठीक है। अब आगे सुनिए, अब ये बस्तियां बनती कैसे है, इन बस्तियों के कारण है, ग्रामीण समाज में अधिकतर जाति वर्ग होता है ठीक है, जातियों के रूप में बस्तियां बन जाती है, जैसे सैनियों की बस्तियां हो गई, ब्राह्मणों की बस्ती हो गई, गुजरों की बस्तियां हो गई, बनती कि नहीं बनती। तो सबसे पहली चीज क्या, देखिए ग्रामीण समाज में जातियां वर्ग, सबसे पहली चीज तो इन बस्तियों को बसाने में, अलग अलग बस्तियां बसने में, दूर दूर बनने में जाति वर्ग अहम है। इसके अलावा ये जरूरी नहीं है स्वेच्छा से
अपनी इच्छा से भी कई बार दूर जाकर व्यक्ति मकान बना लेता है। इसके अलावा कई बार बलपूर्वक, कई बार क्या होता है, बलपूर्वक लोगों को भगा दिया जाता है दूर जाकर, वो गुच्छित गांव से थोड़ा दूर जाकर बस्तियों का निर्माण कर लेते हैं। ठीक है, ग्रामीण समाज में जाति वर्ग स्वेच्छा से या बलपूर्वक गांव से थोड़ी थोड़ी दूर जाकर बस्तियां बसाते हैं। एक कारण तो आपका ये हो गया। दूसरा कारण सुनिए, कई बार आपने देखा होगा समाज में कई जमींदार होते हैं या कुछ प्रमुख समुदाय के जो लोग होते हैं वो गांव का जो केंद्र बिंदु होता है उसके ऊपर कब्जा कर लेते हैं, अधिकार कर लेते हैं। उससे भी जगह में एक गैप पड़ जाता है, दूरी बन जाती है। सबसे पहली चीज लिख देंगे, जमींदार व विशेष समुदाय के लोग गांव के केंद्रीय भाग पर अधिकार कर लेते हैं। अब जब अधिकार कर लेंगे तो वो जगह उनकी हो गई, अब वो खाली हो गई तो दूसरा मकान तो उस जमीन को छोड़कर ही बनाएगा। और इसके अलावा और भी सुनिए, निचले तबके के लोग अपने निजी व्यवसाय के कारण गांव से बाहर बस जाते हैं। समझ में आ गई बात? मान लीजिए कोई ऐसा काम करते हैं कि गांव के लोग उस पर ऑब्जेक्शन करते हैं। मान लीजिए कोई चमड़ा वाला कोई व्यक्ति है, चमड़ा बनाता हो, या फिर कोई ऐसा ही काम जो गांव के लोगों को पसंद नहीं है, तो निचले तबके के लोग अपने निजी कार्य निम्न कार्यों की वजह से गांव से थोड़ा बाहर जाकर बस जाते हैं। तब भी आप, जैसे मान लीजिए गांव यहां बसा हुआ है और आप दूर जाके बस रहे हो, तो विखंडन तो होगा ही होगा। तो इस तरह के कारण भी आपके बस्तियों के बसने में होते हैं। चलिए अब प्रमुख क्षेत्र की बात कर लेते हैं, कहां पर ये बस्तियां बसी हुई है। तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहली जगह जो है वो गुजरात के कुछ मैदानी क्षेत्रों की बात कर लेते हैं। ठीक है, गुजरात के मैदानी क्षेत्रों के अंदर ये बस्तियां आपको देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा राजस्थान, ठीक है, आपका जो राजस्थान है, इस राजस्थान के जो भाग है वहां पर भी आपको ये बस्तियां आपको देखने को मिल जाएगी। कुल मिला के बात यह है कि दूर दूर जो बस्तियां बसती है अर्धगुच्छित बस्तियां कहलाती है। समझ में आ गया होगा? ठीक है, इस टॉपिक को उतार लीजिए। देखिए तीसरा बिंदु मैंने डाल दिया है, पल्ली बस्तियां। पल्ली बस्तियां क्या होती है, ध्यान से सुनना, और बिल्कुल सीधी परिभाषा इसकी। कई बार बस्ती भौतिक रूप से एक दूसरे से पृथक अनेक इकाइयों में क्या हो जाती है, बट जाती है, लेकिन उन सबका नाम एक ही रहता है। मतलब क्या होता है, कई बार आपने देखा होगा आपका गांव है, उस गांव के अंदर आपने देखा होगा ढाणियां बनी रहती है ना। अब ढाणियां तो बहुत होती है उसके अंदर, जैसे कि मालियों की ढाणी, सैनियों की ढाणी, गुजरों की ढाणी, शर्माओं की ढाणी, ऐसे ढाणियां होती है, लेकिन उन ढाणियों का नाम एक होता है, वो गांव में होता है। अब गांव एक, नाम एक, ठीक है, नाम तो एक है, लेकिन वहां पर कई इकाइयों के अंदर बस्तियां बट जाती है। इन इकाइयों को देश में विभिन्न नामों से जाना जाता है। उदाहरण के तौर पे मैंने एक नाम बताया ढाणी, और भी कई नामों से जानते हैं। लिखेंगे, इन इकाइयों को अनेक नामों से जाना जाता है। जैसे सबसे पहले तो इजी गोइंग आपके समझ में आ गया होगा, ढाणी। अब ढाणियां बहुत होती है लेकिन उस गांव का नाम एक होता है। जैसे इसमें लिखा हुआ है कि प्रत्येक अनेक इकाइयों में बटी रहती है किंतु नाम सबका एक ही होता है। ठीक है, तो पहले तो ढाणी शब्द आपके समझ में आ गया होगा। इसके अलावा और बोलते हैं, पन्ना, नंगला, पाड़ा। पाड़ा शब्द भी एक अहम है। आप देखते हैं ना कि फलाने पाड़े में, ढीका पाड़े में, ऐसे बोलते हैं, पाड़ा शब्द का यूज भी लोग लेते हैं। इसके अलावा पाली, ऐसे शब्दों का उपयोग किया जाता है। समझ में आएगा?
प्रमुख क्षेत्रों की बात कर लेते हैं, प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से इसके अंदर जहां पर ये बस्तियां मिलती है। मध्य और निम्न गंगा के मैदानों में आपको ये बस्तियां देखने को मिल जाएगी, मध्य व निम्न गंगा के मैदानों में सबसे पहली जगह। दूसरी जगह आपको बता दूं छत्तीसगढ़ में आपको देखने को मिलेगी, छत्तीसगढ़ में आपको मिलेगी, ठीक है। इसके अलावा हिमालय के निचली घाटियां जो होती है, हिमालय की निचली घाटियों में आपको देखने को ये बस्तियां मिल जाएगी। समझ में आ गया होगा क्या है ये बस्तियां, पल्ली बस्तियां। अब हम बात करते हैं परिक्षिप्त बस्तियां, जो पहाड़ों के अंदर, सुदूर क्षेत्रों के अंदर, जंगलों के अंदर ये बस्तियां बसी होती है। चौथा पॉइंट डाल लीजिए, ये उतार लीजिए, चौथा बिंदु है परिक्षिप्त बस्तियां। देखिए चौथा बिंदु मैंने डाल दिया है परिक्षिप्त बस्तियां, इसका दूसरा नाम है एकांकी। एकांकी का मतलब होता है कि सुदूर जंगलों में एकांकी झोपड़ी बनाकर जो लोग रहते हैं, कुछ झोपड़ियां हो सकती है या एक झोपड़ी हो सकती है, ये मिलती है आपको पल्ली के रूप में, अथवा हम कह सकते हैं छोटी पहाड़ियों में ढलानों के ऊपर खेत और चरागाहों के रूप में ये बस्तियां आपके देखने को मिल जाएगी। समझ में आ गई बात, लिखेंगे ये बस्तियां सुदूर जंगलों में एकांकी झोपड़ियों या कुछ झोपड़ियों, ठीक है, या तो एक एकांकी रूप में या फिर कुछ झोपड़ियों के अलावा, कुछ झोपड़ियों के अलावा कुछ पल्ली के रूप में या कुछ पल्ली के रूप में, पल्ली का मतलब कुछ ढाणी, छोटी छोटी ढाणियों के रूप में, छोटी पहाड़ियों के ढालों के रूप में या छोटी पहाड़ियों के ढालों में, छोटी पहाड़ियों की ढालों में खेत व चरागाह के रूप में दिखाई देती है। मतलब परिक्षिप्त का मतलब क्या होता है, एक ऐसी बस्ती जो सुदूर जंगलों के अंदर एक झोपड़ी के रूप में कोई व्यक्ति रह रहा हो, या कुछ झोपड़ियों का एक पल्ली रूप हो, या कहें कि छोटी पहाड़ियों की जो ढाल होती है, या कहें कि उनके खेत या चरागाह के रूप में। आप देखते होंगे पहाड़ों के अंदर दूर दूर आपको ऐसी कुछ आपको बस्तियां बसी हुई दिखाई देती है। अब आपके समझ में आ जाएगा कि ये बस्तियां कहां पर है। जैसे कि आप मेघालय में जाओगे, आप जम्मू कश्मीर में भी देख लोगे इसको, उत्तरांचल में जाइए, ठीक है, मतलब जितने भी पहाड़ी क्षेत्रों में, आप हिमाचल प्रदेश में जाइए, ठीक है, मतलब किसी भी पहाड़ी क्षेत्रों में जब आप जाते हो तो आपको ऐसी बस्तियां पहाड़ों के अंदर देखने को मिलेगी। केरल में चले जाइए, पहाड़ों के अंदर जो दूर दूर मकान जो बने होते हैं, वो सब के सब किस में आते हैं, परिक्षिप्त बस्तियां। मेघालय, उत्तरांचल, उत्तराखंड और केरल के अंदर हिमाचल, यहां पर आपको ये बस्तियां देखने को मिल जाएगी। सारी की सारी बस्तियां ग्रामीण बस्ती के प्रकारों का वर्णन है। आगे बात समझ में आएगी। इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें, जिससे नए नए वीडियो आप तक पहुंचा सकूं। धन्यवाद।